वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज मैं बात करूंगा डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्स के बारे में। इसमें हम ये जानेंगे कि जो इसकी कैटेगरी है, जैसे कि हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर कोर्स, फायर सेफ्टी ऑफिसर कोर्स, दोनों ही कोर्स को करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। यदि आपने इस कोर्स को किया तो इसका फ्यूचर क्या होगा, इसका करियर क्या होगा, कितनी सैलरी मिलेगी, इन तमाम बातों की जानकारी आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इस कोर्स को कौन कर सकता है, योग्यता क्या होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके जहन में उठता है, आपके मन में उठता है। यह कोर्स जो है इंडस्ट्रियल सेफ्टी है। अगर आप सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो यह कोर्स आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यह डिप्लोमा कोर्स की कैटेगरी जो है, यहाँ पे जो मुख्यतः जो सबसे अधिक लोगों का लोग डिमांड में है, सबसे अधिक लोग करते हैं और बहुत तेज़ी के साथ सेफ्टी फील्ड में एंट्री करते हैं, तो यह दो तरह के कोर्सेज हमारे पास आते हैं, जिसे हम कहते हैं हेल्थ सेफ्टी डिप्लोमा कोर्स, दूसरा फायर सेफ्टी डिप्लोमा कोर्स। दोनों ही कोर्स की एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये क्लास 10th के बाद आप इसे कर सकते हैं। सैलरी की अगर बात की जाए तो सैलरी आपको जो मिलता है वह लगभग 25,000 प्लस मिलता है। यह कंपनी टू कंपनी डिफर कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इस कोर्स को कौन कर सकता है। योग्यता तो आपको पता ही चल गया होगा, क्लास 10 इसकी योग्यता है। कोर्स कितने दिनों का है, या अगर इसकी बात करें तो डिप्लोमा कोर्स होने का मतलब ही है कि 12 महीने का रेगुलर कोर्स है। क्लास 10th के बाद इस कोर्स को कर पाएंगे। अब सवाल ये पैदा उठता है कि आप इसके इसमें क्या क्या सीखेंगे। तो अगर मैं एक रेशियो की बात करूं तो इसमें आपको, अगर फायर सेफ्टी में आप जा रहे हैं तो इसमें आपको सीखना पड़ेगा नेचर ऑफ फायर, फायर हजार्ड, फायर रिस्क, साइट इंस्पेक्शन, रिस्क असेसमेंट, वर्क रिपोर्टिंग, फायर सेफ्टी एक्ट, सेफ्टी पॉलिसी, फायर सबस्टांस, केमिकल परमिट टू वर्क सिस्टम एक्सेट्रा, और भी सारी चीज़ें हैं तो वो आप सीखेंगे। अगर यही चीज़ आप हेल्थ सेफ्टी में जाते हैं तो आप हेल्थ सेफ्टी के बारे में सीखते हैं, रिस्क के बारे में सीखते हैं, कैसे रिस्क को मैनेज करना है, साइट का इंस्पेक्शन कैसे करना है, हेल्थ के लिए जो है रिस्क असेसमेंट कैसे करना है, रिपोर्टिंग कैसी होगी आपकी, कैसे एनालिसिस करेंगे, कैसे टास्क एनालिसिस करेंगे, ये तमाम चीज़ों को आप सीखते हैं इन 12 महीनों के दौरान। मिनिमम आप 3 महीने के अंदर इस कर सकते हैं और मैक्सिमम 12 महीने का यह कोर्स अवेलेबल है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह कोर्स दो मोड में आप कर सकते हैं, जिसे कहा गया फास्ट ट्रैक मोड। यदि फास्ट ट्रैक मोड में आप जाते हैं तो वक्त क्या लगता है आपका, 3 महीने आपकी कंप्लीट जो होती है वो ट्रेनिंग होती है, जिसके बाद आप इस कोर्स के बारे में तमाम तरह की चीज़ों को जान पाते हैं और समझ पाते हैं। अब दूसरी बात हम करें कि इसकी ट्रेनिंग की बात, तो ट्रेनिंग जो है हिंदी और अंग्रेजी में इसकी कोर्स की ट्रेनिंग होती है। हिंदी और अंग्रेजी में कोर्स की ट्रेनिंग आपको मिल जाती है। रीजनल लैंग्वेज जो है आपकी हिंदी है, बहुत ईजी वे में आप इस चीज़ को समझ पाते हैं, जान पाते हैं और फिर आगे अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कोर्स का मोड क्या होता है। देखिए कोर्स का जैसे जैसे सिचुएशंस बदल रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, वैसे वैसे ऑनलाइन रेगुलर मोड और ऑफलाइन रेगुलर मोड, दो मोड में आपको कोर्स मिल जाता है। ऑनलाइन रेगुलर मोड के बारे में अगर हम बात करें तो ऑनलाइन रेगुलर मोड एक ऐसा मोड है जिसमें आप अपने घर से रह करके पढ़ाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसके लिए ज़रूरत क्या आप चीज़ की पड़ती है, तो वह एक एंड्रॉयड फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है, एक मोबाइल फ़ोन है, तो आप इस कोर्स को ऑनलाइन मोड में भी पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन रेगुलर मोड का मतलब है कि आपको कैंपस में जाना होगा, कॉलेज पर जाना होगा और वहाँ पर रह सकते हैं। यहाँ पर आपको लॉज और हॉस्टल की फैसिलिटीज अवेलेबल है। आप चाहें तो अलग से आप पीजी ले सकते हैं, पेइंग गेस्ट रूम ले सकते हैं, अलग से रूम ले सकते हैं, डेरा ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। कोर्स फीस आप, जैसा कि थंबनेल से आप देख के आपको पता चल गया होगा कि कोर्स फीस क्या होगी, तो इसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा भी अगर और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप जो है SST इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जा करके और वहाँ से सारी डिटेल आप ले सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि कोर्स कहाँ से करें और एडमिशन कैसे लें। बहुत आसान है, 2 मिनट के अंदर आप अपना कोर्स बुक कर सकते हैं, अपना एडमिशन ले सकते हैं, वह भी अपने घर बैठे हुए, अपने घर से, अपने स्टेट से, अपने जिले से, अपने गांव से। कैसे करना है इसके बारे में जरा एक बार समझ लेते हैं। SST इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर आपको जाना है। वेबसाइट है sst4u.com को लॉगिन करेंगे आप, और जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, कोर्स की लिस्ट मिल जाएगी, अपना कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए।
कोर्स सेलेक्ट करने के बाद से अपना कोर्स बुकिंग चार्ज और कोर्स की फीस आपको बैंक में जमा कराना होगा। जैसे ही आपका पेमेंट जमा हो जाएगा आपको एक ट्रांजेक्शन आईडी मिलता है, उस ट्रांजेक्शन आईडी को अपने डॉक्यूमेंट के साथ आप कॉलेज को भेज देंगे। आपको डॉक्यूमेंट भेजने का जो तरीका है वह व्हाट्सअप कर सकते हैं या स्क्रीन पे दिए गए ईमेल पे भी मेल कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है वह है आपकी आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, एक कलर फोटो। और एड्रेस प्रूफ या आईडी प्रूफ की अगर हम बात करें तो आधार कार्ड आप दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर सकते हैं। इनमें से जो भी अवेलेबल आपके पास हो वह आप उसको व्हाट्सअप कर देंगे, उसकी जेरोक्स कॉपी यानी फोटो कॉपी आपको भेज देना। बहुत ही आसान है आपको एडमिशन लेना। आप कोशिश करेंगे, देखेंगे 2 मिनट के अंदर आप पेमेंट कर पाएंगे। पेमेंट करने का जो मोड है वो आप कर सकते हैं, एटीएम के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, आप फोनपे के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम या नेट बैंकिंग ऑनलाइन, जो भी सुविधा अवेलेबल है आपके पास उस सुविधा से कर सकते हैं। यदि इनमें से कोई भी सुविधा आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप डायरेक्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जा करके आप अपना पेमेंट जमा कर सकते हैं और वहां से जो स्लिप आपको मिलती है, जो ट्रांजेक्शन आईडी मिलता है, उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट को आपको कॉलेज को सेंड कर देना है। जैसे ही अकाउंट सेक्शन आपका पेमेंट क्लियर करता है आपका एडमिशन डन हो जाता है, जिसकी सूचना आपको ईमेल के द्वारा और मोबाइल पर एसएमएस के द्वारा मिल जाता है। कब से बैच स्टार्ट होगा इसकी जानकारी मिल जाती है, अब आपका कोर्स स्टार्ट हो जाता है। इंस्टीट्यूट की पता की अगर हम बात करें तो इसका पता है SST इंस्टीट्यूट देवरिया, कोतवाली चौराहा देवरिया, उत्तर प्रदेश, इंडिया। एडमिशन ओपन है और इसमें जो कोर्स और हैं जो काफ़ी पॉपुलर कोर्स हैं उसके बारे में अगर एक नज़र हम दौड़ाएं तो वह है हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा, योगा डिप्लोमा, वेब डेवलपमेंट, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग, फर्स्ट एड सेफ्टी, इंजीनियरिंग कोर्स एंड मोर। इसके अलावा भी और भी कोर्स अवेलेबल हैं जिसकी जानकारी आप SST इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट से आप देख सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगा कोर्स का टाइम ड्यूरेशन, जहां पर आपको मिलेगा कोर्स की कितनी फीस है, क्या एलिजिबिलिटी है, ये तमाम जानकारी आप SST इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। SST इंस्टीट्यूट काफ़ी स्टूडेंट्स और कॉलेज के बीच में ट्रांसपेरेंसी रखता है, एक पारदर्शिता है, कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है। बहुत ही आसान शब्दों में कहा जाए तो हर एक चीज़ काफ़ी ओपन है और आप उसको समझ सकते हैं, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होता है। जो कुछ आपको स्क्रीन पे या वेबसाइट पे शो होगा वही आपको पे करना होता है, कोई भी छुपा हुआ चार्ज आपको से नहीं लिया जाता है। आई होप कि यह जानकारी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।